नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? यानी कि ये हमारा जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 12 अगस्त 2005, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2005, ऑप्शन सी 11 मार्च सन 2000, ऑप्शन डी 2 फरवरी सन 2006। तो इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी सन 2006, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दो, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत निर्माण योजना संबंधित है ऑप्शन ए भारत को एकजुट करने से, ऑप्शन बी भारत की सड़कों की मजबूती से, ऑप्शन सी भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से, ऑप्शन डी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का को कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर सन 2000, ऑप्शन बी 24 दिसंबर सन 2001, ऑप्शन सी 23 दिसंबर सन 2001, ऑप्शन डी 15 अगस्त सन 2001। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 दिसंबर सन 2000। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल सन 2005, ऑप्शन बी 19 नवंबर सन 2005, ऑप्शन सी 26 जनवरी सन 2006, ऑप्शन डी 11 अगस्त सन 2006। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल सन 2005। क्वेश्चन नंबर छः, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ऑप्शन सी निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों को, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आय और संपत्ति में असमानता को घटाने के लिए और निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन का मतलब है कि भारत में जिनके पास धन की कमी हो उनको भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए। तो ये सभी चीज़ बाय योजना निर्माण के उद्देश्य से में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर एट, इसका ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर आठ का, तो देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी
राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये उसको अनुमोदित करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 9, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 1950, ऑप्शन बी 11 मार्च 1950, ऑप्शन सी 16 मार्च 1950, ऑप्शन डी 20 मार्च 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, उसका अध्यक्ष होता है, और वर्तमान समय में नीति आयोग चल रहा है, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई? बता दें इसमें योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना 5 साल की चलती थी, अब जो है नीति आयोग के तहत त्रिवर्षीय योजना चल रही है, मतलब जो योजना पहले 5 वर्ष की चलती थी, अब यह 3-3 वर्ष की चल रही है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ऑप्शन डी संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951 में, ऑप्शन बी 1 मई 1951 में, ऑप्शन सी 1 जून 1952 में, ऑप्शन डी 1 जून 1953 में। इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 1951 में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कृषि पर। यहाँ पे अगर हमारा देश देता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो इसमें हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में अक्सर जो मानव सर्वप्रथम क्रियाएं शुरू करता है, खनन, कृषि आदि चीज़ें आती हैं, और द्वितीयक चीज़ में उनसे जो निर्मित करता है वो आती हैं, और उद्योग आते हैं, सीधी भाषा हम कह सकते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में हमारी सेवाएँ आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए प्रोफेसर डी आर गाडगिल, ऑप्शन बी एम एन राय, ऑप्शन सी मन्ना नारायण, ऑप्शन डी पी सी महाल नोबिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पी सी महाल नोबिस। क्वेश्चन नंबर
16। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि ये हमारी तीनों इस्पात कारखाने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं, ऑप्शन डी नौवीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पांचवी, यानी कि पांचवी में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 8.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8%। क्वेश्चन नंबर 20, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? ऑप्शन ए सन 2000 से सन 2007, ऑप्शन बी सन 2005 से सन 2010, ऑप्शन सी 2007 से सन 2012, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 2007 से सन 2012 तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।